मोहब्बत में एक की तकलीफ दूसरे का दर्द बन जाती है। कुछ होगा मुझसे नहीं लेकर जाएगा, मैं नहीं रह सकती। आंटी, अंकल, आंटी, क्या हुआ? अंकल वो बैठ नहीं है कमरे में। What? अंकल मैंने पूरे घर में देखा है, कहीं नहीं है, बाहर गाड़ी भी नहीं आई। गेस वो शबरीस के पास तो नहीं चली गई। नो 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 नो, कहां जाएगी? उसने जो स्टेटमेंट हमारे सामने दिए, I'll make sure कि वो पुलिस के सामने नहीं कहती है। She will. I know. बस तुम जाओ यहां से, मुझे अपनी परवाह नहीं है। मुझे मुझे है परवाह तुम्हारी। मेरी जमीन पे एक बोझ। प्लीज शबरीज, प्लीज मुझे सच बोलने दो। मुझे उससे बहुत मोहब्बत करता, मैं अगर मर भी गया ना तो मुझे कभी शक न करना। इस दिल में हमेशा तुम ही रही हो, तुम ही रहोगी। शक नहीं था, नाराज थी, पर मान था। उस मान के टूटने पर नाराज थी। तुमने अपनी जिंदगी से जुड़ी इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, शायद यही सोच के कि मुझे पता चलेगा तो पता नहीं मैं क्या सोचूंगी, इसलिए मन टूट गया। वरना मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मैं तो सारे जमाने के सामने तुम्हें बेगुनाह साबित करना चाहती थी। बस बस करो मेहर बेटे, संभालो खुद को। इस मुश्किल वक्त में तुम्हें बाहिम्मत रहना है। तुम कमजोर पड़ोगी तो शबरीस के दिफा के लिए कैसे लड़ोगी बेटा? मैं इस बोझ के साथ कैसे जी सकती हूं मम्मी? मुझे काशान के पास जाना ही नहीं चाहिए था। आज मेरी वजह से शबरीस लॉकअप में है मम्मी। जब शबरीस चाहता है कि ये राज राज रहे तो तुम भी इसे अपने अंदर दफन कर दो। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है, भी तो उसका मान रखो बेटा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफसोस हुआ शबरीस की गिरफ्तारी का सुनकर। आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? मेहर पहले बहुत परेशान है बेटे, इसे मजीद परेशान मत करो। बस दुआ करो कि शबरीस को कुछ ना। ठीक कह रही हैं अम्मी, कुछ नहीं होगा शबरीस को। अच्छे इंसान को कुछ नहीं होता। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्योंकि
क्योंकि आप लोगों को सिर्फ पैसे से मोहब्बत है, अपनी औलाद से नहीं। अपने स्टेटस, अपनी क्लास को मेंटेन करते करते औलाद को तो कई पीछे छोड़ दिया है आपने बहुत। बाकी सारे लोग खुश रहे आपके स्टेटस से, आपकी लग्जरीज पे बाकी लोग रश करें, यही चाहते हैं ना आप लोग। औलाद क्या है? स्टोर रूम में रखा एक पुराना सामान, सेकेंडरी चॉइस हम लोग आपके लिए है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये लग्जरीज, स्टेटस, क्लास, एक दिन सब कुछ होगा आपके पास, बस आपकी अपनी औलाद नहीं होगी। बस अब तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आमीन आमीन। अच्छा अब हमें इजाजत दें, अब हम चलते हैं। जी अब क्यों रो रही हो तुम? देख लिया तुमने अपनी जिद का अंजाम? कितना समझाया था तुम दोनों को, क्या मिला ये सब करके? काशान चला गया ना? काशान का अधूरा काम अब मैं मुकम्मल करूंगी, उसका कातिल नहीं बचेगा मुझसे। बाज आ जाओ अपने इंतकाम से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा, जान के बदले जान। अगर काशान नहीं रहा तो शबरेज भी नहीं रहेगा। इसे फांसी के फंदे तक पहुंचा के रहूंगी मैं, अपने भाई के कातिल को नहीं छोड़ूंगी। शबरेज़, शबरेज़, शबरेज़।